सफलता का जो अगला सूत्र है, बी इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल, वो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अपने पास के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि पास में उनके साथ क्या हुआ, किसने उनके साथ क्या बात कही थी, कौन से स्कूल में पढ़ाई किया था, वो ज़्यादातर अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। तो हम अपने पास को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज आवर पास, हम अपने पास को बदल नहीं सकते, एंड बट वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट। अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। पास में आपके साथ क्या हुआ आप उसको नहीं बदल सकते, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको बदलने के बारे में सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, तनाव में चले जाएंगे, स्ट्रेस होगा, चिंता होगी, लेकिन हम उसको बदल नहीं पाएंगे। लेकिन पास्ट की लर्निंग को अगर वर्तमान में आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्तमान में आप अगर उसको अमल करेंगे तो भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा। बिकॉज यू कैन चेंज योर फ्यूचर, फ्यूचर इज इन योर हैंड। आप अगर जो भी आप आज कर रहे हैं, अगर ये बेहतरीन तरीके से अगर हो रहा है तो सर्टनली आपका भविष्य अच्छा होने वाला है। अगर वर्तमान आपका खराब है और आप सोचते हैं कि भविष्य में हम चीज़ों को अच्छा कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भविष्य में आप भविष्य को नहीं बदल सकते, वर्तमान में रह करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। सपोज अगर आज एक पेड़ लगाया है तो उस पेड़ का फल आज नहीं मिलने वाला, वो भविष्य में ही मिलने वाला। अगर आज आपने बबूल का पेड़ लगाया है जिससे कोई फल नहीं निकलने वाला तो भविष्य में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर आज आम का पेड़ लगाया है तो आम के फल भविष्य में मिलेंगे। यानी भविष्य को सुधारने के लिए हमें अपने वर्तमान को अच्छा करना पड़ेगा। अपना आपका अगर वर्तमान अच्छा है तो भविष्य ऑटोमेटिक आपका अच्छा होने वाला है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। थैंक यू सो मच।